लोगों को सकरात लगता और नहीं लगता क्यों? अगे लोग हराम सुचेंदे ने और हुन खांदे ने। मेरे त्राय मामे हैं त्रिहां को मेरी माँ पर नाय मैं लगा भी आम्मा को आखिर जमीन तक इन चाहूँ आखिर रिश्ता मुके नहीं हुसैन दी कसम है कि मैं उतराए हैं तू एक के वान तो सही तू फतक थोड़े नहीं आई समझ नहीं आई नहीं आई यार नहीं आई मैं कि तू उतराए हैं ना तू है के लकी वन घेना फतक थोड़े मर्जी आ लगी यार मर्जी आ अम्मा लगी रही है जन नल ढेर प्यार असी उन्हें बोलू त्रेवी किले हैं हाई डू के अंदर जमींदार हैं अम्मा अम्मा गिनर पहुंच गई बड़ी मेहरबानी है देखो ये एक पेट्रोल आता रहता है उन्हें देखे सावा एम सरकार नौकर अम्मा जो लगी गई है तो भिरा को आखे सी थार पोता थोड़ा जहा जमीन का टुकड़ा तो दे अम्मा आई ना मेरे को कितना है मैं सुने 83 साल दी मेरी माँ है वो कुवड़े बिरा देख के लिए जेले वाले ये ना मैं करो ना तू बतूल थोड़ी है समझ आई उसको मैं गरीब हूँ दूजी मार वांग के साया मां मैं को फोन की तभी होय मैं के जे हलाल पीऊ ते पोतरे वे ना तो मेरी मां को ने वो अच्छा ये कल जने दी थी सी ना इन त्रेवी के लिए ते कब्जा न करा ता अली ते मनाड़ा लेना कल्ले वान के कैंप ला दी चार पांच जाकर को फोन की ते मैं के इनते ओ मां दा हक की दी बैठा मजले सुनाओ सारा दिन मजलिस थी ये अल्हम्दुलिल्लाह कब्जा थी गए उनके कोल भजन एक हरामी बताओ ना जमातरा हाँ हरामी है गए हुए मैंने एम पी ए को पुलिस आ गई मैं पूछ कि सत्तर मुलाकात थे कही भाई हलाली दे पुत्र जिन्ना थोड़ी इब्तदा रखी वो पलीद इब्ने पलीदा तुसा हलाली थाने च बह के लिख दीती ने एक गिराड़ को गिन आया डूबिया को गिन सा डरना नहीं सरकार फरमेंदन अपने हक वास्ते लड़ जेड़ा बंदा अपना हाथ चुप की गिनदा होवे समझे अली आला नहीं सूली ते भी मी समाख्या अली अगे अली बेगैरत दा इमाम नहीं देखो ना अगर मसले हाथ होंदी 72 हैं चूवेट परदादार 88 यतीम सुन दे हो ना अगर मसले हाथ तो ना परदादार ढेर है कोई 120 मजदूर आ दे परदादार ढेर है हुसैन चुप कर वनिया नगर चुप ने की थी क्यों या बतूल दा पोतरा या अली दा पोतरा अपना हक न खावन दिता करो हर महाज से किता करो बस बात खत्म कर आए आका तो आदी विलायत आला सरकार फरमाने जड़ा साडी विलायत आले हशर हो वैसी नशर हो वैसी जनती हो पता ही न लग सके बंदे दलील पूछी सरकार ने मैं दलील जनाब ने बेड़ी बनाई किश्ती बेड़ा सरकार ने फरमाया अपने मुहिबीन को अल्लाह ने फरमाया बस कर बड़ी तबलीग की दिली सब तो बड़ी उम्र तेरी है ये दुनिया दे बेड़ी बना जेड़े तेरे नुना को चढ़ा तूफान भी आ दे तूफान पियांदे तूफान बस इन्हें पुछड़ा पानी उड़सी अर्श नाल टक्कर खासी कह के आसमान नाल कह के कोई कबूस नाल गल कह दिया अपनी गल्ला आया हैं बेड़ा बन गए कुटड़ी आई बकरी गिन के आइए
रसूल दे कोलो आदि कड़ी अल्लाह दे नबी और तूफान जो आंदा पे में बकरी घेन नहीं आवस चाड़ बामा सरकार ने मैं अम्मा ठीक है ये लेकिन हाल इन देर है ओ क्या चल मैं बैठी नहीं आ शाम थी वैसी वाला बैठी सा फरमाया नहीं है जब थोड़ी मंजाले हे ओ क्या चल सी हफ्ता मैं बैठी नहीं हूँ दूरी चोई हूँ सरकार फरमाए ना देख तूफान है जब ना तूफान ना मन लग सीता है कुछ सरेसा وہ کسی مطمئن تھی ونیا فرمایا اللہ دے نبی کڑی کوڑ مرے دے مسئلہ تے لا کڑڑی لگی گئی لگی طوفان دا ٹائم آیا سرکار سارے کو فرمایا چڑھو چڑھے مسئلہ تے لا یہ رسول کو کڑڑی بول دی طوفان آ گیا کش نہ رہی इमें है ना पानी खत्म बेड़ी लग गई ना किनारे खुशकी थी और अल्लाह दा नबी लथी में टुरे भी देखा जमीन कैसी है आबाद करण वाली वंजन तो देखें बुढ़ड़ी बैठी और जमीन न मल लो यार मैं कुछ नहीं होना है रसूल कहें वंजन देख बुढ़ी बैठी सरकार ने सलाम पर बुढ़ी डिठा रसूल को ना जना नबी को जल्दी जल्दी बकरी नबी त्याई है सही तूफान है ना मैं आऊँ रसूल डिठा नबी डिठा वो तूफान वो कि जी आ बस बकरी तैयार है जल्दी भी है सरकार ने फरमाया तू बेड़े दे चढ़न दी शौकीन है तूफान आ गए खत्म हो गया और अकेला तो नबी थी कि कोड़ मरे ने हाय समझ नहीं है ना उन्हें तो मैंने पाक मौला ने फरमाए कि वो बुढ़ी कौन आई नबी दी विलायत का इकरार करे दी हाई गौर है अली ते मनन आला अली दा मोहिब ई हादसाती दौर च जिंदगी पिया करे दे सरकार फरमाने ना जीवे वो बुढ़ी को पता नहीं लगा तूफान दा इवे अली दे मरण आले को ई दुनिया ते रह दे होए ना हशर दा पता हो सी ना इम्तिहान दा पता हो सी ना नशर दा पता हो सी ना जहन्नम दा पता हो सी जीवे अल्लाह बुढ़ी को बचाई इवे इन्ना को बचा के बहिष्कता कर करबला दे मैदान च सब दुआओं का काम लेते हैं वाह वाह बस पहुंच गए सारा दिन पड़ा ना सैदा दे दुख मोदा फजीलत इतो ज्यादा गर्मी आंदी है करबला सदैठ तक ही खड़ा होंदे दर्जा हरा रहे कई दफा गर्मी च गया ओ गर्मी आंदी है यकीन करे मोमेंट पूछे हाय आका करबला च औखा गांव लेते सरकार उठ कर खून शुरू थे मोमेंट उठ सरकार फिर मदन बैठी वो और मोमेंट बैठे हुसैन का पुत्र उठे मातम शुरू होते रो के फिर मैदान हर कोई औखा लथे लेकिन मेरा बेरा अकबर बहुत औखा लथे इक्का सत्तर जो पढ़ा ढेर थी पोवे मैं को जरूरत है चिट्टी दाढ़ी है या काली दाढ़ी है
अली दा पुत्र जवान अजले अकबर दे कोले ज़ईफ थी गया। 17 मैं क्योंकि ज़ाकरी दा कायल हाँ, भट्टी साहब एक अजीम शख्सियत गुजरी, सारी जिंदगी उन्हें अली अकबर नहीं पढ़ा। 18,000 एज मोमिनीन को वाले अदना अकबर सुना, पर मैं एक काम करो, इतने खटड़ा रखो, कफन रखो, मैं अकबर पढ़ता, मैं मर वैसा जेडी भट्टी साहब 70 पढ़िए हुआ सुने ना, ना तुसा ओ मोमिनी वेत ना मैं भट्टियां 70 वरिया की पढ़िए जेने अकबर आखे ना अलैकुम इन्नी सलाम ओ मैं ना बुढ़ा बाबा उठा ही रहे मैं आखरी सलाम औखा अकबर दे कोल है। भट्टी साहब दियां 17 इजाजत सुना डिठा सीने ते रखे बयात नाल सलाम दिल सैयदा दे में लाल मैदानी चा के अदब भूल गए अकबर दे बाबा बाबा गुरबत समाने मिंबर दी कसम सैयदा दे केड़ी गुरबत अकबर दे बाबा मेरे जिगर च फल बरसी बड़ी साहब फरमे दे ना दे नकारा से मैं गुड़े कर दे ओ की में लगाई फाल पर चीदा रोंद गण दे आद गण अरमान योए ओ नहीं तर से किता तेद कातल मसला दी मई इंशाल्लाह मजले से अजा उसी बस्ती नबी शाह शुमाली सुबह 9 मजले से अजा का आगाज शुरू होसी जेर इंतजाम से सैयद शाह साहब हदीस की सादी तिलावत जनाब मौलाना सैयद सजाद हुसैन शाह साहब सैयद मजहर अब्बास शाह साहब इस्तगासा पाक इमाम जमाना बयान करे सन